आकाश आनंद अब क्या करेंगे, ये सवाल तमाम लोग पूछ रहे थे, लेकिन अब नई तस्वीर साफ होती नजर आ रही है। बहुजन समाज पार्टी ने आकाश आनंद को एक नई जिम्मेदारी सौंपी है। ये नई जिम्मेदारी कौन सी है, ये मैं जानना चाहूंगा उत्कर्ष आपसे। देखिए, एक चिट्ठी आती है वरुणा सुबह, और यहीं से पूरी कहानी की कवायद की शुरुआत हो जाती है। चिट्ठी आती है एक, बेसिकली वो एक जानकारी है जो कि उत्तराखंड में होने वाले उपचुनावों को लेकर है, और उत्तराखंड में जो चुनाव होने हैं उसको लेकर बहुजन समाज पार्टी की ओर से स्टार प्रचारकों की एक लिस्ट तैयार की गई। इस स्टार प्रचारकों की लिस्ट में जो एक नाम था वो आकाश आनंद का भी नाम शामिल था। अभी खबर इसलिए बनती है क्योंकि वही आकाश आनंद, जिनको कि कुछ समय पहले तक कहा जा रहा था कि देखिए वो पॉलिटिकली इमेच्योर हैं, खुद मायावती जो कि बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने ये कहा था कि आकाश आनंद को पॉलिटिकली मैच्योर फैसले लेने तक या वो समझ के आने तक पार्टी की गतिविधियों से, और एक जो फैसला किया गया था कि वो बहुजन समाज पार्टी के अगले अध्यक्ष हो सकते हैं, यानी मायावती जी के उत्तराधिकारी हो सकते हैं, उन दोनों ही फैसलों को वापस लिया जाता है। और उत्तर प्रदेश में वो प्रचार कर रहे थे जब ये चिट्ठी आई थी, तीसरे चरण के चुनावों के प्रचार थे, और उस वक्त जिस तरीके से आकाश आनंद ने सीतापुर में जो भाषण दिया था, जिस पर FIR हुई थी, उस भाषण को आधार बनाया। लेकिन अब उत्तराखंड में चुनाव प्रचार होना है, और चुनाव प्रचार में आकाश आनंद का नाम बहुजन समाज पार्टी की ओर से जारी स्टार प्रचारकों की सूची में दूसरे नंबर पर है। वो ठीक मायावती जी के बाद दूसरे नंबर पर वहां पर उनका नाम दिखाई देता है, और इसीलिए ये खबर बड़ी बन जाती है। खबर इसलिए बड़ी बन जाती है क्योंकि अगर बहुजन समाज पार्टी की सूची में आकाश आनंद का नाम शामिल हुआ है तो क्या ये मान लिया जाए कि वो जो पॉलिटिकल इमेच्योर होने की बात हो रही है वो दौर खत्म हो गया, वो वापस बहुजन समाज पार्टी की राजनीति में आते दिखाई दे रहे हैं, या ये माना जाए कि जैसा उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनावों के पहले आकाश आनंद का जो रोल था, यानी कि वो देश के बाकी हिस्सों में बहुजन समाज पार्टी की ओर से पार्टी के लिए प्रचार की कमान संभालते थे, कार्यकर्ताओं नेताओं से मिलते थे, क्या आकाश आनंद उस हैसियत पर वापस पहुंचे हैं? कम से कम उस चिट्ठी के जरिए हाँ दिखाई देता है। दूसरा, मायावती ने रोक लगाई थी आकाश आनंद के प्रचार करने पर, क्योंकि उन्होंने कहा था कि उनकी शैली गलत है, और अब जब उस लिस्ट में दूसरा ही नाम आकाश आनंद का है, यानी आकाश आनंद एक बार फिर प्रचार करते दिखाई देंगे, उसी तेवर में हो सकता है वो दिखाई दे या फिर तेवरों में बदलाव होगा। और अगर बदलाव होगा वरुण, तो ये बात भी साफ हो जाएगी कि आखिरकार कौन सा ऐसा बदलाव है, कौन सा ऐसा फीडबैक है जो उन्हें दिया गया, किस तेवर पर या किस भाषा या शब्दावली पर या किस तरीके के अटैक पर, हमले पर आपत्ति थी, और आकाश आनंद का वर्जन 2.0 अगर हमको सामने दिखाई देता है तो वो क्या होगा। लेकिन एक बात, और मुझे लग रहा है कि इस शो की हमको तो धीरे धीरे अपनी जो बातचीत है ना वरुण, उनको आर्काइव कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर आपको याद हो और ये बात करते वक्त मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट इसलिए है मेरे चेहरे पर क्योंकि आपने और हमने ये बात की थी कि ये कितनी जल्दी वापसी होगी। जिस दिन बहुजन समाज पार्टी की बैठक हुई थी और बैठक में आकाश आनंद के बारे में फीडबैक मिला था, उस दिन आपने मुझसे यही सवाल किया था कि आकाश आनंद को लेकर फीडबैक क्या है, और तब भी मैंने कहा था कि नई उम्र के जो कार्डर हैं वो आकाश आनंद को चाहते हैं, उनको एक जोश दिखाई दिया था कि देखिए सीधा सत्ता से लड़ने वाला एक नेता पार्टी में आया है। और अब जब आकाश आनंद का नाम उत्तराखंड की ओर से वहां पर उत्तराखंड में जब वो स्टार प्रचारकों की सूची में दूसरा नाम है, तो एक बात तो बहुत साफ है कि आकाश आनंद प्रचार करते दिखाई देंगे। वो जो तरीके से राजनीतिक वनवास वाली श्रेणी थी कि उनको कहा गया कि आप प्रचार से दूर रहिए, उत्तराधिकार से दूर रहिए, वो खत्म होती, प्रचार वाली तो कम से कम खत्म होती दिखाई देती है। अब जो एक ज्यादा बड़ा सवाल है कि मायावती जी ने उनको माना था अपने उत्तराधिकारी के योग्य के तौर पर, यानी कि वो व्यक्ति जो कि अब उनके बाद पार्टी की कमान संभालेगा, क्या उस विश्वास को जीत पाने में आकाश आनंद कामयाब हो पाए हैं या नहीं हो पाए हैं, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब अगर मिलता है तो, और मुझे लगता है कि उत्तराखंड में जो चुनाव प्रचार होगा, उपचुनावों के जो परिणाम होंगे, शायद उन उपचुनावों के परिणामों से, आकाश आनंद की मेहनत से, और उससे अगर समीकरण पर कोई फर्क पड़ता है तो उससे भी इस सवाल का जवाब मिलने में हमको ज्यादा आसानी होगी। लेकिन एक बात और है, कल बहुजन समाज पार्टी की एक बड़ी बैठक है जो जानकारी मिली है, और उस बैठक में वरुण देश भर के बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता को बुलाया गया है, अखिल भारतीय स्तर की फीडबैक बैठक है, और अगर आकाश आनंद ने उत्तर प्रदेश के अलावा देश के जिन बाकी हिस्सों में काम किया था वो बात की थी, अगर वहां के नेता भी उनके काम का जिक्र करते हैं, उनकी कार्यशैली के बारे में बात करते हैं, तो मुझे लगता है कि वो जिस बड़ी राह की हम लोग बात कर रहे थे कि क्या वो बहुजन समाज पार्टी का भविष्य है, उस सवाल का जवाब भी हमको उस पूरी बैठक के बाद, उसमें आए फीडबैक के बाद, और उत्तराखंड में चुनाव प्रचार और प्रचार के बाद परिणामों के में क्या बहुजन समाज पार्टी को सफलता मिलती है नहीं मिलती, इन तीन चार चीजों को मिलाकर उस पर निर्भर करता है। बिल्कुल उत्कर्ष, इसी से जुड़ी एक और बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ये जो खबरें थी कि विधानसभा का उपचुनाव बहुजन समाज पार्टी इस मर्तबा लड़ेगी,
क्या आपको ऐसा लगता है कि आकाश आनंद इस यूपी विधानसभा के उपचुनावों में भी कोई बड़ा रोल उनको दिया जा सकता है? देखिए मतलब मोटा मोटा तो सवाल का जवाब हाँ माना जाए वरुण, लेकिन उसमें सिर्फ एक ही बात है कि मुझे लग रहा है कि आकाश आनंद वापस अपने आप को एक तरीके से बहुजन समाज पार्टी उनको रीस्टार्ट करवा रही है उसी श्रेणी से, उसी पोजीशन से जहां से उन्होंने एक तरीके से अपनी सियासी या सार्वजनिक राजनीति की शुरुआत की थी। आकाश आनंद उत्तर प्रदेश के अलावा देश के बाकी हिस्सों में बहुजन समाज पार्टी के लिए प्रचार कर रहे थे, वहां पर तमाम जहां जहां चुनाव होने थे वहां पर पार्टी के कार्यकर्ताओं से नेताओं से मिल रहे थे, संगठन की कार्यशैली को समझना, उस पर फीडबैक देना, ये उनकी जिम्मेदारी थी। अब उत्तराखंड के लिए तो उनका नाम सामने आ गया क्योंकि वहां पर उपचुनावों के बारे में जानकारी भी सार्वजनिक है, वहां पर पहले पहले ही उपचुनाव होने हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश को लेकर अब तक अधिसूचना नहीं आई, अभी तक उत्तर प्रदेश में चुनावों का ऐलान नहीं हुआ है। जब ऐलान होगा तो ये लिस्ट सामने आ पाएगी, लेकिन जैसा मैंने आपको कहा कि कल एक बैठक जो बहुजन समाज पार्टी कार्यालय में होनी है और वहां पर एक अखिल भारतीय फीडबैक मिलेगा, और उसके अलावा उत्तराखंड में किस तेवर के साथ आकाश आनंद आते हैं, कुछ एक शब्दों पर ज्यादा आपत्ति थी, कुछ एक जो हमला करने के तरीके थे वरुण उस पर ज्यादा आपत्ति थी, और मुझे लगता है कि जब वो आपत्ति दूर कर ली जाएगी, जब उन चीजों को पार पा लिया जाएगा, और मुझे लगता है कि नाम आ गया है, यानी कि आकाश आनंद ने ये कॉन्फिडेंस तो पार्टी के अंदर दिखा दिया है कि वो अगर पार्टी की लाइन के हिसाब से कुछ एक गलतियां हैं तो उससे सीखकर उससे आगे बढ़ने को तैयार हैं। और जो आपका सवाल है, जैसा मैंने कहा मोटा मोटा उसका जवाब हाँ माना जा सकता है कि आकाश आनंद का रोल अब उत्तर प्रदेश में भी दिखाई देगा, क्योंकि नाम आ गया है तो वो जो अविश्वास की स्थिति थी वो नहीं है, उन्होंने अपने हिस्से के कोर्स करेक्शन कर लिए हैं। अब इंतजार इसी बात का है कि कब उत्तर प्रदेश में भी उन उपचुनावों की अधिसूचना जारी होती है, उनकी जानकारी सामने आती है। और जैसा हम लोग एक कयास और लगा रहे थे कि उपचुनाव ना लड़ने वाली बहुजन समाज पार्टी इस बार उत्तर प्रदेश में उपचुनाव लड़ती दिखाई संभावना ज्यादा है, और जब वो उपचुनाव लड़ेंगी, क्योंकि इस बीच में आप देखिए एक दो जिलों में मुझे लगता है आगे जब हम कुछ खबरों को कवर करेंगे तो इस बातों का जिक्र आएगा, अलीगढ़ में तनाव होता है, फिरोजाबाद में तनाव होता है, और इन दोनों ही जिलों में नगीना से सांसद चंद्रशेखर रावण पहुंच जाते हैं और वो वहां पर जाकर लोगों के बीच में होते हैं। आज जो फिरोजाबाद में घटना हुई उसको लेकर बहुजन समाज पार्टी ने और मायावती जी ने ट्वीट किया है, लेकिन चंद्रशेखर रावण वो फिरोजाबाद भी पहुंचे, उस परिवार से मिलने पहुंचे, तो जिस तरीके से चंद्रशेखर एक उस पूरे वोट बैंक को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि बहुजन समाज पार्टी का वोट बैंक था, तो वहां पर अगर अगली पीढ़ी के नेता के तौर पर किसी को तैयार करना है, जिसका एक रूप लोगों ने देखा क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश से जो लोकसभा का चुनाव था वो वहां से शुरू होता हुआ फिर धीरे धीरे पूर्वांचल की ओर आया था, तो वहां पर आकाश आनंद प्रचार कर चुके हैं, वहां पर वो लोगों के लिए कोई नया चेहरा नहीं है, ऐसे मुझे लगता है कि वो एक बार फिर दिखाई देंगे, और अगर चंद्रशेखर रावण के सब्स्टिट्यूट के तौर पर उनसे मुकाबला लेने के तौर पर बहुजन समाज पार्टी को अगर अपने नेताओं को जमीन पर रखना है तो मुझे लगता है आकाश आनंद उस फेरिस में शामिल होंगे। फीडबैक भी उनके बारे में बहुत सारे पॉजिटिव थे, कई कार्यकर्ताओं की मांग थी, और मुझे लगता है उस मांग को ध्यान में रखकर ही उत्तराखंड वाले टेस्ट की शुरुआत की गई है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न...